السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا خيرا لما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے درود و سلام امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلان دی رونق اور بہار نبی کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے
सामईन मोहतरम, अल्लाह पाक ने इंसान नु बेशुमार नेमतां अता फरमाइया ने। उन्हां तमाम नेमतां दे विचों एक अजीम नेमत का मैं तज़करा करना चाहना। उस नेमत का नाम है जुबान। जुबान अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। जुबान की कदर और कीमत अगर पूछनी है तो उन्हें पूछो कि जिन्हों अल्लाह पाक ने जुबान तो दिती है लेकिन बोलन की ताकत और कुवत नहीं दिती, वो इशारिया नाल ही गल करता है, इशारिया नाल ही बातें समझाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दिया अहादीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी सीरत पाक सानू एहो ही पैगाम दिंदी है कि अपनी जुबान की हिफाजत करना हर मुसलमान वास्ते लाजमी जरूरी और फर्ज है। मैं सही बात कहना कि जिदे लोग अपनी औलादां दी तरबियत करते ने, अपनी औलादां नू समझांदे ने, जिहड़ा बाप रोकदा टोकदा मना करदा वो बाप इंतहाई मुखलिस है और इंतहाई मुशफिक है, और जिहड़ा बंदा रोकदा नहीं टोकदा नहीं मना नहीं करदा खबरदार नहीं करदा वो बंदा मुनाफिक भी हो सकदा मुखलिस नहीं हो सकता। तो इस करके अगर माँ किसी बात तो रोके, बाप किसी बात तो रोके, तो माँ बाप दियां गल्लां ते गुस्सा नहीं करना चाहिदा, माँ बाप दियां गल्लां ते मूड नहीं बनाना चाहिए। तो बहरहाल जुबान अल्लाह पाक दी बहुत बड़ी नेमत है। एक बहुत बड़े दाना और हकीम इंसान गुजरे ने जिन्हां नू हकीम लुकमान आखिया जाता है। हकीम लुकमान नू एक बंदे ने कहा, हकीम साहब तुहाडी दानाई और तुहाडी दूर अंदेशी बहुत सुनी भी है और बहुत मशहूर है, तो मैं तुहाडी दानाई और तुहाडी हिकमत चेक करना चाहना, तो ए कुछ पैसे ने ए पैसे लै लो तो मैनू बाजार जाके तो किसी जानवर का जिसम का कोई बेहतरीन जे हिस्से का गोश खरीद के लै लो। हकीम लुकमान ने पैसे फड़े, बाजार जाके जानवर की जुबान का गोश लिया के उन्हें दे दिता और कहा कि ऐ जानवर दाए दे जिसम का सब तो बेहतरीन हिस्सा है। चंद दिन गुजरे, ओहो ही बंदा फिर पैसे लेके आ गया ते आके कहिंदा हकीम साहब तुहाडी दानाई ते हिकमत ते वाकियात बड़े सुने ने ते मेरा दिल करदा है मैं तुहानू चेक करा, ए पैसे ले लो ते मैनू जानवर दे जिस्म दा सब तो गंदा ते सब तो बुरे हिस्से का गोश लिया के दियो। हकीम साहब ने पैसे फड़े ते बाजार जाके जुबान दे गोश दे टुकड़े करवा के लिया के उन्हें दे दिता। वो बंदा कहन लगा कि हकीम साहब मैं ते बड़ा सुनिया जी तुसी बड़े दाना आदमी जे बड़े अकलमंद आदमी जे तुहाडियां ते मशहूरियां दूर दूर तक ने,
लेकिन मैं तुहानू कहा सब तो अच्छा हिस्सा लिया के दियो, तुसी जबान का लिया के दिता है। मैं तुहानू कहा सब तो गंदा हिस्सा लिया के दियो, तुसी जबान का लिया के दिता है। गल नहीं समझ आई। हकीम लुकमान रहिमहुल्लाह वरहा कहन लगे, अल्लाह दे बंदिया अगर जुबान का अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो यह जुबान का टुकड़ा 5-6-7 इंच का टुकड़ा यह पूरे जिस्म के हिस्सों नालों सब तो अच्छा हिस्सा है। और अगर इस जुबान का गंदा और गलत और गलीज इस्तेमाल किया जाए तो यह जुबान का गोश्त जिहड़ा है, जुबान का हिस्सा जिहड़ा है, यह पूरे जिस्म के अंदर सब तो ज्यादा गंदा और सब तो ज्यादा गलीज हिस्सा है। यह जुबान इंसान को तख्त पर बिठा भी देती है ते तख्त तो ला भी देती है। यह जुबान इंसान सल्यूट भी मरांदी है ते छित्र भी मरवांदी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सब कह दे रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी शरीफ अंदर बैठे ने ते अपनी जुबान नू फड़े, तवज्जो मेरे वाल, जुबान नू फड़ के ते खिची जा रहे ने, खिची जा रहे ने। किसी ने पूछा सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु जी ए जुबान नू क्यों खिची जा रहे हो, इहदा की कसूर है? फरमान लगे तेनू नहीं पता कियामत वाले दिन कई बंदियां ने जहन्नम च जाना है ते इस जुबान की वजह तो जाना है। इस जुबान ने जहन्नम च लैके जाना है कई बंदियां नू ते कई बीबियां नू। सो मेरे प्यारे भाइयो, अक्सर कहा जाता है पहले तोलो फिर बोलो। असी ना तोलने आ, ना सोचने आ, ना समझने आ, ना वेखने आ। साड़ी जुबान कैंची की तरह चलती है। साड़ी जुबान तो ना साड़ी माँ महफूज, ना साड़ा बाप महफूज, ना साड़े दोस्त अहबाब महफूज, ना साड़े भरा महफूज, ना साड़िया भैणा महफूज। साड़ी जुबान तो मस्जिद का खादम भी महफूज नहीं, मस्जिद का खजानची भी महफूज नहीं, मस्जिद का इमाम भी महफूज नहीं, मस्जिद का खतीब भी महफूज नहीं। साड़ी जुबान की वजह तो कईयों की जिंदगी च अग लग चुकी है। साड़ी जुबान की वजह तो कईयों दियां खुशियां तबाह हो गई। साड़ी जुबान की वजह तो कईयों के चेहरिया दियां मुस्कराहटां छीनिया जा चुकी। ना मेरे प्यारे भाइयो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह करो, रब रब करो, लेकिन उदे नाल नाल अपनी जुबान का ख्याल करो, अपनी जुबान का पैरा मजबूत करो। अगर किसी चीज़ ते पैरा लाना है ना, पैरा लाना है, पासवर्ड लाना है, ते ऐ अपनी जुबान ते कोई पक्का ताला लाओ, अपनी जुबान का पैरा मजबूत करो। बड़ी प्यारी मिसाल लिखने वाले ने लिखी है कि ऐ मुंह जिहड़ा ना एक दुकान की तरह होता है। दुकान का शटर जिनी देर तक बंद है पता नहीं चलता अंदर कोयला पिया है कि सोना पिया है। ये शटर खुलता है तो पता चलता है अंदर कोला है कि सोना है। इसे तरह जिनी देर तक बंदे का मुंह बंद रहता है उन्नी देर तक नहीं पता चलता ये दिल के अंदर कोयला है या ये दिल के अंदर सोना है, ये बंदा हीरा है कि बंदा कोयला है। तो मेरे प्यारे भाइयो, मैं आज का जुमा भला क्यों पढ़ा रहा, एक सच्चा वाकया मैं तुहानू सुनाना।
अल्लाह माफ़ फरमाए, अस्तग़फिरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। एक ना मुसलमान भाई है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, अल्लाह पाक ने उन्हें तीन बेटियां अता कीतियां ने। किनिया बेटियां? सारे बोलो किनिया बेटियां? तीन बेटियां अता कीतियां ने, ते चौथी मरतबा भी अल्लाह ने रहमत की है। तो मामला डिलीवरी के करीब करीब है, तो डॉक्टर ने दस दिता है, रिपोर्ट आ गई है कि अल्लाह पाक ने चौथी मरतबा भी बेटी अता करनी। तो जदों का खामद ने सुन लिया ना कि चौथी बारी भी धी आई है, बेटी आई है, ओदा भी मूड बन गया, तो सस का भी बूथा बन गया। तो उदू की कहते हो नंदा नुंदा दराणिया जठाणिया, इन्ह का भी मूड बन गया। अल्लाह माफ फरमाए, तो शोहर अपनी बीवी को भला की कहता है? चौथी धी जमन तो पहले पहले बिजली नू हाथ ला के मर जा, धी ना जम्मी बिजली नू हाथ ला के मरना गवारा, धी लैनी गवारा नहीं। ऐ साडियां जबाना दे अल्फाज ने, ऐ साडियां जबाना दे जुमले ने। जिस बंदे दे अंदर ए दो चीज़ा ने ना, तवज्जो मेरे वाल, अज मैं ना बड़े दर्द दे नाल तुहाडे सामने खड़ा होया। जिस बंदे दे अंदर दो चीज़ा हजे भी हैगियां ने ना, केड़ियां चीज़ा? एक चीज़ जिहड़ा धीआं तो नफरत करदा है, ते दूजी चीज भैणां नूं विरासत तो महरूम करदा है। ओ बंदा अरब दे बदुआं नालों भी भैड़ा जे, अरब दे जाहलां नालों भी भैड़ा जे। उन्हें नबी पाक दे आन दा मकसद नहीं समझिया, उन्हें कुरान दे पारियां दा मकसद नहीं समझिया, उन्हें सहाबा औलिया किराम दी सीरत और जिंदगी चो कुछ नहीं सीखिया। जेड़ा अज भी धीआं नूं गंदी नज़र ना देखदा, बुरी नज़र ना देखदा, ताने मारदा, मेहने मारदा, कड़वियां कौड़ियां कसैलियां मीसनियां मीसनियां गल्लां करदा, मेरे प्यारे भाइयो अपनी जबान की हिफाजत करिए। कुरान पाक अंदर ते सरकार पाक दी हदीस पाक अंदर सानू इक्को ही गल लभी है, यार नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, जिक्र फिक्र करना है, उदे नाल नाल अपनी जुबान ते पैरा मजबूत करना है। साड़ी जुबान तो कोई दुखी नहीं होना चाहिदा, साड़ी जुबान तो कोई किसी की खुशी का कतल नहीं होना चाहिदा। यकीन करो साड़ियां जुबाना इनिया वध गईयां ने, अल्लाह माफ फरमाए, असी कईयां दे घर बर्बाद किए ने, असी कईयां दे घरां च लूतियां ला ला के तबाही मचाई है, साडे घरां च जहन्नम बन गया है, साडे घर जहन्नम बन गए ने, साडे बाजार जहन्नम बन गए ने, इस गंदी जुबान की वजह तो, इस जुबान की अवारगी की वजह तो, इस जुबान के बुरे और गंदे जुमलियां की वजह तो। ना मेरे प्यारे भाइयो, अज के जुमे के अंदर अल्लाह पाक दे नाल असी वादा करके जाना है। मेरे अल्लाह सोनिया, पिछे जो हो गया हो गया, अल्लाह अपनी रहमत नाल माफ फरमा दे, ते अगों तो इंशाल्लाह असी अपनी जुबान की हिफाजत करनी है। जुबान के मामले अंदर ना चार चीज़ा ऐसा ने जिहड़ियां साडे माशरे च आम हो गई ने। मैं अपनी गल के आगाज़ के अंदर ही तुहानू दसना चाहना, चार किस्म के जिहड़े नासूर ने ना, चार किस्म के वड्डे वड्डे गुनाह जिहड़े असी अपनी जुबान चो कर रहे हैं। पहला, असी अपनी जुबान चो तकबर कर रहे हैं, वड्डे वड्डे बोल बोलने हैं, मैं इंज कर देंगा, मैं इंज कर देंगा, मैं ऐ कर सकना, मैं ऐ कर सकना। तकबराना बोल, फिरौनी जज्बात, फिरौनी जुमले, ऐ सब तो वड्डा गुनाह है। और दूसरा गुनाह जिहड़ा जुबान चो असी कर रहे हैं, असी जहालत कर रहे हैं, जहालत, ऐसे ऐसे जुमले बोल जाने हैं सानू पता ही नहीं चलता इन्हां दा नुकसान किन्ना है, इन्हां दी अग किन्नी है, इन्हां दे अंदर भांबड़ किन्ने ने। मैं एक गल कहां, इन्हां
इन्नी तबाही एटम बंब नहीं मचांदा जिन्नी तबाही साड़ी जुबान दे जुमले मचांदे ने। मैं सही कह रहा जे, उन्नी तबाही एटम बंब नहीं मचांदा। मैं ख्याली खुताबत दा कायल नहीं, मैं दलाल दे नाल तुहानू वाजे करना चाहना। कईयां घरां च तलाकां हो गईयां, कईयां घरां च कतल हो गए इस जुबान की अवारगी की वजह तो, इस जुबान के बुरे और गंदे जुमलियां की वजह तो। पहली चीज़ तकबराना बोल, दूजी चीज़ जहालत के अंदर आके ऐसे ऐसे जुमले के बंदे की नेकी तो दूर की गल है, नेकी का नून भी बाकी नहीं रहिंदा। ईमान तो दूर की गल है, ईमान का अलफ भी बाकी नहीं रहिंदा। तीसरी गल, अल्लाहु अकबर कबीरा, असी अपनी जुबान तो ना मजाक मजाक वेच, मजाक मजाक वेच दूजिया टिचकरा करना, दूजिया का मजाक उड़ाना, दूजिया बदनाम करना, दूजिया जलील करना, इस जुबान की वजह तो मजाक के जरिए असी बहुत बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं। और चौथी चीज़, असी इस जुबान के जरिए दूसरे जज्बात नूं ठेस पहुँचा रहे हैं, दूसरों के एहसासात नूं ठेस पहुँचा रहे हैं। ना मेरे प्यारे भाइयो, अपनी जुबान ते पैरा मजबूत करिए, अपनी जुबान नूं कंट्रोल करिए। आइए अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर की फरमाया है। अल्लाह फरमा रहे ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जी ऐलान फरमा दियो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युत्तिल्लाह वरसूला फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़ा अज़ीम। रब्बुल आलमीन कुरान मुबीन अंदर बयान फरमा रहे ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ओए जुमा पढ़न वाले हो, ओ नमाज़ा पढ़न वाले हो, ओए अल्लाह दियाँ इबादतां करन वाले हो, अल्लाह पाक दे कोलों डर जाओ, अल्लाह पाक दे कोलों डर जाओ। जुबान दे मामले अंदर अल्लाह पाक दे कोलों डर जाओ, जुबान दे जुमलियां दे मामले अंदर अल्लाह पाक दे कोलों डर जाओ, जुबाना दे अल्फाज दे मामले अंदर अल्लाह पाक दे कोलों डर जाओ। वकूलो कौलन सदीदा, सीधी सीधी सुथरी सुथरी गल करिया करो, प्यारियां प्यारियां गल्लां करिया करो, सोहनिया सोहनिया गल्लां करिया करो, मिठियां मिठियां गल्लां करिया करो, सुरीलियां सुरीलियां गल्लां करिया करो, सीधियां सीधियां गल्लां करिया करो। जे सीधी गल नहीं आती तो चुप कर जाया करो, जे चंगी गल नहीं आती तो चुप कर जाया करो। वकूलो कौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह सोनिया जेड़ा बंदा अपनी जुबान ते पैरा मजबूत करेगा उन्हों की लबेगा। अल्लाह फरमांदे ने, युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह पाक तुहाडे आमाल दुरुस्त कर देंगे, अल्लाह पाक तुहाडे आमाल की हिफाजत फरमाणगे, नेकियां बच जाणगियां। तुहानू नहीं पता, तुहानू नहीं पता ए नेकियां वाला पड़ोला थलों फट चुके है, इनू घुन लग चुके है, इनू घिन लग चुके है। ये नेकियां करी जा रहे हैं, चुगलियां करी जा रहे हैं, नेकियां करी जा रहे हैं, गाला कटी जा रहे हैं, नेकियां करी जा रहे हैं, तो बदबख्त बदबख्ती वाले मामले करी जा रहे हैं, नेकियां करी जा रहे हैं, तो मुसलमाना ते तोमता लाई जा रहे हैं, नेकियां करी जा रहे हैं, तो गाला कटी जा रहे हैं। ये नेकियां वाला पड़ोला थलों फट गया, अपने पैरों से आप कबाड़ी मार लीए। ना मेरे प्यारे भाइयो, बंदा रोजे भी रखे गर्मिया दे, हैं बंदा सारी दिहाड़ी पैसे कमा के अल्लाह के रस्ते अंदर सदका भी करे, तो फिर भी नेकी बर्बाद हो जाए, फिर भी नेकी तबाह हो जाए। वो अल्लाह के बंदो, इस तो वड्डी बेवकूफ़ी की हो सकती है, इस तो वड्डी बदबख्ती की हो सकती है। ना मेरे प्यारे भाइयो, ना मेरे प्यारे भाइयो, रब्बुल आलमीन ने कुरान मुबीन अंदर फरमाया,
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم اللہ تواڈے اعمال دی اصلاح فرما دین گے ويغفر لكم ذنوبكم اللہ پاک تواڈے گناہاں نو معاف کر دین گے ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب دنیا دی بھی کامیابی دے گا رب آخرت دی بھی کامیابی دے گا کرنا کیے کرنا کیے اپنی زبان دی حفاظت کرنی ہے ذرا منہ میٹھا کریے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توجہ میرے وال فیصل آبادیو توجہ میرے وال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دے کول تشریف فرمانے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زبان دے وچوں ایک جملہ کڈیا ایک جملہ بولیا ہے جملہ کی بولیا ہے نبی پاک دی دوسری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہن لگیاں صفیہ چھوٹی قد دیئے صفیہ چھوٹی قد دیئے اللہ اکبر کبیرہ ایک جملہ بولے ہے صرف ایک جملہ بولے ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ تو اینا کوڑا بول بولے ہے اینا کوڑا بول بولے ہے اگر اس بول نو چک کے مٹھے سمندر چ سٹ دیتا جائے او پورے دا پورا سمندر ہی کوڑا ہو جائے او پورے دا پورا سمندر ہی کوڑا ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ میں دسنا یہ چاہنا میرے پیارے بھائیو ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہے ایک ایک جملے دی بڑی قدر تے ویلیو ہے اگر تے اچھا جملہ ہے تے او دی بڑی قدر تے ویلیو ہے لیکن اگر برا جملہ ہے تے او دی بڑی نوست ہے او دی بڑی بے پرکھتی ہے تیرے ایک ایک جملے دا تیرے کاروبار تے بڑا اثر ہے تیرے ایک ایک جملے دا تیری اولاد تے بڑا اثر ہے تیرے ایک ایک جملے دا تیری بیوی تے بڑا اثر ہے تیرے ایک ایک جملے دا تیری قبر تے بڑا اثر ہے تیرے ایک ایک جملے دا تیری آخرت تے بڑا اثر ہے نا میرے پیارے بھائیو اپنی زبان نو کنٹرول کریے ساڈی زبان تو کسے دا دل نہیں دکھنا چاہیدا ہائے میرے اللہ یار ویکھو نا تیاں نو رشتہ تیاں واسطے رشتہ ویکھن جانا چاہیدا ہے اچھی بات ہے تیاں نو ویکھن جاندے ہو بھیناں نو ویکھن جاندے ہو رشتہ ویکھن جاندے ہو اللہ معاف فرمائے گھر دے اندر آ کے اودے نک دے اُتے ڈسکس کرنا کوئی چنگی گل ہے اودا نک ایویں دا سی اودی اکھ ایویں دی سی اودے چہرے دی رنگت ایویں دی سی اودے وال ایویں دے سن اودا قد ایویں دا سی بڑے بڑے اچھے گھرانے والے لوگ موجود نے انہاں نو پچھئے نا ہاں جی جناب تسی رشتہ ویکھن آئے سی کی معاملہ بنیا اگوں کہندے نے جناب بس اللہ پاک نے ساریاں تیاں بڑیاں پیاریاں بنائیاں نے تیاں ساریاں سانجیاں ہی ہوندیاں نے بھنا ساریاں سانجیاں ہی ہوندیاں نے لیکن بس معاملہ کوئی اگے نہیں چل سکدا اچھے انداز دے نال جواب دینا چاہیدا ہے لیکن اللہ معاف فرمائے کیڑے کڈے جاندے نے اللہ معاف فرمائے جملے کسے جاندے نے اللہ معاف فرمائے ایسی ایسی کبھی حرکات موجود نے استغفر اللہ نعوذ باللہ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد درود پاک دے اندر ٹل نہیں کرنی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن آیا رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ میرے وال نبی پاک دے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اسی نبی پاک دے کول بیٹھے ہوئے ہیں پاک پیغمبر دے کول بیٹھے ہیں اچانک بدبو آنا شروع ہو گئی اچانک بڑی گندی بدبو آنا شروع ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی علیہ السلام دے صحابہ کہن لگے اللہ دے پیغمبر جی اے کا دی
माड़ी बदबू है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसे मुसलमान ने दूसरे मुसलमान दी गीबत की थी है, किसे मुसलमान ने दूसरे मुसलमान ते तोहमत लाई है। अल्लाह अकबर, कब्सा असी ते रूहानी तौर ते इन्ने बीमार हो गए हैं, साड़ी ते रूहानियत इन्नी मुर्दा हो गई है, सानू ते गुनाह चो बदबू आना ही खत्म हो गई है, सानू ते शैतान ने ना ऐसा चकमा दिता है ना, ऐसा गेड़ा दिता है कि उन्हें साडे गुनाहों इस तरह गिफ्ट पैक करके साडे सामने खूबसूरत करके सानू पेश किया। लो जनाब करो क्या बात है, तुहाडे वर्गा ते बंदा ही कोई नहीं, यानी साडा गुनाह सानू गुनाह लगता ही नहीं और साडी गलती सानू गलती लगती कोई नहीं। ओए अल्लाह रसूल दी बगावत ते सानू बगावत लगती कोई नहीं। नबी पाक अली सलातो सलाम ने फरमाया ऐ बदबू इस वजह तो आ रही है, एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान दी गीबत की है जिदी वजह तो ऐ बदबू आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, यार ऐ जुबान अल्लाह पाक ने गीबत करने वास्ते नहीं दिती, ऐ अल्लाह पाक ने गालां कढ़न वास्ते नहीं दिती। माँ नू गालां कढ़ना है, बाप नू गालां कढ़ना है, भरावां नू गालां कढ़ना है, हैं भैणां नू गालां गंदियां गालां कढ़ना है, ओए सौरियां च कीड़े कढ़ना है, ओए सौरियां नू गालां कढ़ना है। नबी पाक अली सलातु सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां तालीमात दसदियां ने, ओए उस तो वड्डा गंदा इंसान कोई नहीं जिहड़ा अपने सौरियां नू गालां कढ़दा है। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह। ओए अल्लाह दे बंदेओ, तेरे सौरे दा कसूर की है, तेरी सस दा कसूर की है, एक धी नू पढ़ा लिखा के खवा पिया के जवान करके कलमे दी नकलमे दे नाम ते तेरे नाल टोर दिती है, बस उन्हां दा ऐ कसूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। ना मेरे प्यारे भाई, ना मेरे प्यारे भाई, अपनी जुबान नू एहतियात दे नाल चलाया कर, एहतियात दे नाल चलाया कर। नबी पाक अली सलाम ने फरमाया अकीदे दे मामले दे अंदर भी अपनी जुबान नू बंद रखना है, ए अखलाकियात दे मामले अंदर भी अपनी जुबान नू बंद रखना है। कुल खैरन औलिया सुमत, कुल खैरन औलिया सुमत। नबी पाक ने फरमाया जे कोई चंगी गल आउंदी है ते बोलो, नहीं ते खामोश रहो। जे कोई चंगी गल मुँह चो कढ़नी आउंदी है, जे कोई कल चंगी गल तुहानू याद आ गई है ते कह दियो, लेकिन अगर कोई चंगी गल तुहाडी जुबान चो नहीं निकल सकती या नहीं निकल रही ते तुसी चुप कर जाओ। खामोश रहना बेहतरीन इबादत है। लोगो याद रखना रफुल यदैन सुन्नत है, पैरा ना पैर मिलाना सुन्नत है, सिर ढकना नबी पाक दी सुन्नत है, सलवार टखनिया तो उच्ची रखना मेरे पैगंबर दी सुन्नत है, ते खामोश रहना भी मेरे पैगंबर दी सुन्नत है, खामोश रहना भी मेरे पैगंबर दी महबूब सुन्नत है। नबी पाक दे सहाबा बयान करते ने असी नबी पाक नू जदों भी वेख्या रब दा जिक्र करदे ही वेख्या, कोई कम दी गल होंदी ते नबी पाक कलाम फरमाया कर दे, कोई अच्छी गल होंदी ते नबी पाक कलाम फरमाया कर दे। नबी पाक दी जुबान पाक चो कदी असी लगव बात नहीं सुनी, कदी असी फजूल बात नहीं सुनी। नबी पाक ने जदों भी गल कीती प्यारी गल कीती है, नहीं तो नबी पाक खामोश रहे ने। खामोश रहना मेरे पैगंबर दी सुन्नत है। यार वेखो ना कैसी अजीब दुनिया हो गई है, कैसा अजीब माशरा हो गया है। जे कोई बंदा खामोश रहिंदा है उन्नू भी छिबियां दे दे के, उन्नू भी घड़ूसा मार मार के उन्नू भी जलील कर देंदे ने, ओए तू चुप रहिंदा है, ओए तू ते तेरी ते इज्जत ही कोई नहीं, तेरी ते वैल्यू ही कोई नहीं, ओए तू ते कमी हो गया, तू ते कमीना हो गया, तू थले लग गया, तू लैके खाना है, तू बोलता क्यों नहीं, तेरी जबान क्यों नहीं खुलती, तेरी जबान क्यों नहीं चलती, बाकी सारी दुनिया बोलती है तू क्यों गूंगा हो गया। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह। ना मेरे प्यारे भाइयो, जेड़ा बंदा अपनी जुबान ते पैरा मजबूत करके बैठा होया है ना, मैं समझना ए भी वलायत की एक किस्म है, ए भी अल्लाह पाक दे करीब होने का एक दर्जा है, ए भी रब की खुशनुदगी लैन का एक हिस्सा है। मैं अल्लाह को दुआ करना आमीन कहना, अल्लाह सानू अपनी जुबाना की हिफाजत करन दी तौफीक अता फरमा।
रब्बुल आलमीन ने कुरान मुबीन अंदर बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ओए अल्लाह को डर जाओ, अल्लाह को डर जाओ, जुबान दे मामले अंदर अल्लाह पाक दे कोलो डर जाओ। आइए मैं एक हदीसे पाक तुहाडी खिदमत दे अंदर पेश करना चाहना, हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला, सब कह दो रजी अल्लाह ताला नो, रजी अल्लाह ताला नो, जंगे तबूक से जा रहे ने, तकरीबन 7-7.5 किलोमीटर का सफर है, जंगे तबूक से जा रहे ने, हजरत सहाबी मुआज रजी अल्लाह ताला नो बयान कर दे ने, गर्मी की शिद्दत बहुत है लेकिन रही है, शिद्दत की वजह तो सहाबा फैल फैल के सफर कर रहे ने, दो चार सहाबी उथे सफर कर रहे, दो चार सहाबी उथे सफर कर रहे, लेकिन नबी पाक अली सलातु सलाम दे नाल चंद एक सहाबा ने, हजरत मुआज़ फरमाते ने मेरा दिल किया मैं भी नबी पाक दे नाल नाल सफर करा, नाले सफर जारी रहेगा, नाले नबी पाक दे चेहरे का दीदार होंदा रहेगा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, नबी पाक दे चेहरे पाक दा दीदार हासिल होएगा। फरमांदे ने मैं अपनी सवारी दौड़ाई ते नबी पाक दे नाल पहुंच गया, नबी पाक दे करीब पहुंच गया, नबी पाक अलैहि सलातु सलाम नूं मैं कहन लगा, अल्लाह दे पैगंबर जी कोई नसीहत फरमा दियो। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने, फकुफा लिसानक फअखज़ लिसानहु, नबी पाक अलैहि सलातु सलाम ने हजरत मुआज नूं नसीहत कीती है, नबी पाक ने इस तरह अपनी जुबाने मुबारक नू पकड़ लिया, पकड़ के हजरत मुआज नू फरमाया, मेरे मुआज अपनी जुबान दी हिफाजत करी, अपनी जुबान दी हिफाजत करी। हजरत मुआज कह लगे, अल्लाह दे पैगंबर जी की होया? नबी पाक फरमांदे ने, कयामत वाले दिन कई ऐसे लोग होंगे जेडे अपनी जुबान दी वजह तो अल्लाह दी जन्नत दे मालिक बन जाएंगे, कई ऐसे लोग होंगे जेड़ी अपनी जुबान दी वजह तो अल्लाह दी जहन्नम दे बालन बना दिते जाएंगे। फअखज़ लिसानहु, नबी पाक ने इस तरह अपनी जुबान मुबारक नू पकड़ के इशारा करके फरमाया, जुबान दा पैरा मजबूत करी, तेरी जुबान तो किसी नू तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिदी। अल्लाहु अकबर कबीरा, जरा बहार पैदा करो, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, पाक पैगंबर फरमांदे ने, एक बंदा तवज्जो मेरे वाल, एक बंदा इस तरह नेकियां करदा रहिंदा है, करदा रहिंदा है, नेकियां करदा 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 जन्नत दे कंडे ते पहुंच जांदा है, जन्नत दे किनारे ते पहुंच जांदा है। ए मैं सही हदीसे पाक तुहाडी खिदमत च पेश कर रहा हां। नबी पाक फरमांदे ने, नेकियां करदा 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 जन्नत दे किनारे ते पहुंच जांदा है, एक दो ने करन दी देर है कि ये जन्नत दे अंदर दाखिल हो जाएगा। लेकिन नबी पाक फरमांदे ने, इन्हें जुबान चो इन्ना गंदा लफज बोलिया, इन्हें जुबान चो इन्ना बुरा जुमला बोलिया, नबी पाक फरमांदे ने, बैक गेर लगता है, ये सीधा जाके जहन्नम दे गड़े अंदर डिग जाता है, 70 साल मुसलसल जहन्नम दे गड़े अंदर डिग जाता है, एक जुमले की वजह तो, इन्ना गंदा जुमला बोले है, इन्ना साड़न वाला जुमला बोले है, इन्ना कड़वा जुमला बोले है, इन्ना कसैला जुमला बोले है, कदी अपनी बीवी नू जलांदा जुमलिया के जरिए, कदी अपने माँ बाप नू रुलांदा अपने जुमलिया के जरिए, कदी अपनी भैणा नू रुलांदा अपने जुमलिया के जरिए, कदी अपने भरावां नू रुलांदा अपने जुमलिया के जरिए, कदी दुकान फैक्ट्री के मुलाजमान से जुबान के जरिए जुलम करदा ते ज़ियाती करदा, गालां कढ़दा ते बकवासात करदा। नबी पाक फरमांदे ने, एक जुमला बोलिया, इन्ना गंदा जुमला बोलिया कि जन्नत इस तरह दाखिल ही होने वाला सी कि बैक गेर लगा ते जहन्नम दे गड़े च चला गया। अल्लाहु अकबर कबीरा, इन्ना असरे जुबान दे जुमलिया का, इन्ना असरे तेरी जिंदगी ते जुबान दे जुमलिया का, इन्ना असरे तेरी आखरत ते तेरे जुबान दे जुमलिया।
नबी पाक फरमांदे ने एक ते ऐ बंदा है, दूसरा बंदा नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया इस तरह ओ जहन्नम दे कंडे ते पहुंच चुके है, गुनाह करदा रहिंदा है, करदा रहिंदा है, करदा रहिंदा है, करदा 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 जहन्नम दे किनारे ते पहुंच चला है। एक गुनाह करेगा ते सीधा जहन्नम च धड़म डिग पेगा। लेकिन जुबान चो इन्ना प्यारा जुमला बोलदा है, इन्ना खूबसूरत जुमला बोलदा है, इन्ना आजजी वाला जुमला बोलदा है, इन्ना इनकिसारी वाला जुमला बोलदा है, इन्ना झुकाओ वाला जुमला बोलदा है, अल्लाह पाक दी रहमत वाला जुमला बोलदा है, रब नू इन्ना पसंद आ जांदा है। अल्लाह पाक जेड़ा बंदा जहन्नम च डिगन लगा सी एक जुमले दी वजह तो, अल्लाह पाक ओनू बैग गेर लगांदे ने ते जन्नत दा दाखला अता कर देंदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। वीरियो मैं ऐही तुहानू दसन आया, तुहाडे एक एक जुमले दा तुहाडी कबर ते बड़ा असर जे, तुहाडे एक एक जुबान दे कलमे दा तुहाडी जिंदगी ते बड़ा असर जे, तुहाडे एक एक जुमले दा तुहाडी आखरत ते बड़ा असर जे। जरा बहार पैदा करो इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया सुभान अल्लाह, तवज्जो मेरे वाल, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलाउ मा बैन समाई वल अर्द। ए ते नबी पाक अलैहि सलाम ने बड़े प्यारे जुमले बोले ने। नबी पाक फरमांदे ने एक बंदा अपनी जुबान चो कहिंदा सुभान अल्लाह, अल्लाह तू बड़ा ही पाक है, तेरा निजाम बड़ा ही पाक है, तेरी भेजी हुई शरीयत बड़ी पाक है, तू खुद बड़ा पाक है, अल्लाह जड़िया तू नेमता बनाइया ने हर नकस तो पाक ने, सुबहान अल्लाह। दूसरा जुमला बोलदा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सोनिया पावे मैं मखरूज हाँ, अल्लाह सोनिया पावे मेरे को औलाद नहीं, अल्लाह सोनिया पावे मेरे को कारोबार नहीं, पावे हालात बड़े माड़े ने, पावे हालात बड़े टाइट ने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मैं तेरे ते बड़ा ही राजी, रब मैं तेरे ते बड़ा ही खुश हाँ, तेरी वंड ते मैं बड़ा ही राजी। नबी पाक फरमांदे ने इन्हां दो जुमलियां दी वजह तो आसमान ते जमीन दे दरमियान अल्लाह अजरों सवाब ही भर देंदे ने। सुभान आसमान तो लैके जमीन दे जमीन तक जितना भी खला है ये अजरों सवाब दे नाल पर जांदा है। सिर्फ एक जुमला बोले है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा बहार पैदा करो इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आका अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा अपनी जुबान दी हिफाजत नहीं करदा, पाक पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह पाक उस बंदे तो नफरत करदा है जिंदी जुबान बड़ी गंदी है, जिंदी जुबान बड़ी गंदी है, अल्लाह पाक उस बंदे तो नफरत करदे ने। अल्लाहु अकबर कबीर। वेखो किड्डी वड्डी गल है, छोटी गल नहीं जे, जिंदी जुबान गंदी है ना रब उहदे तो नफरत करदा है, अल्लाह पाक दी रहमत उहदे तो दूर है, अल्लाह पाक भी मगफरत उहदे तो दूर है, अल्लाह पाक दी अजमत और रहमत दे खजाने उहदे तो दूर ने, जिंदी जुबान गंदी है, जिंदी जुबान साफ नहीं। और अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने भला की फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मेरी उम्मत दा सब तो ज्यादा गंदा बंदा केड़ा है, हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह। तवज्जो मेरे वाल, नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत दा सब तो गंदा बंदा होवे के जिंदी जुबान दे शर तो बचन वास्ते लोग ओदी इज्जत करदे ने, जे इनू इज्जत ना दित्ती ते इन्ने गालां ही कढ़नियां ने, जे अपने जवाई नू इज्जत ना दित्ती ते इन्ने साड़ी फकना है, जे इनू इज्जत ना दित्ती ते इन्ने साडी धी दा जीना हराम कर देना है, जे इनू इज्जत ना दित्ती ते इन्ने इन्ने पूरे घर दे अंदर ही मचा
बाल मर देना है, इन्हें पूरे घर के अंदर तमाशा ला देना है, पूरे महल के अंदर तमाशा ला देना है, पूरे बाजार के अंदर तमाशा ला देना है। नबी पाक फरमाते ने मेरी उम्मत का गंदा तरीन बंदा होवे जिंदी जुबान दे शर तो बचन वास्ते लोग ओदी इज्जत करन, लोग ओनू प्रोटोकॉल देन, लोग ओनू सल्यूट करन, लोग ओदी आओ भगत करन। ना मेरे प्यारे भाईओ, ना मेरे प्यारे भाईओ, अपनी जुबान की हिफाजत करनी, अपनी जुबान ते पैरा मजबूत करना है। यार तवज्जो मेरे वाल, तवज्जो मेरे वाल, तुसी बीए करो, एमए करो, एमए इस्लाम याद करो, तुसी मास्टर इन साइंस करो, बायोफिजिक्स करो, एमफिल करो, पीएचडी करो, सब कुछ करो, लेकिन एक एमए खामोशियात भी करो, एक एमए जुबानियात भी करो, एक एमफिल खामोशियात भी करो। अल्लाह दे बंदो, अपनी जुबान ते पहरा मजबूत करो, अपने बेटे दी तरबियत करया कर, अपनी बेटी दी तरबियत करया कर, अपनी बीवी दी तरबियत करया कर, अपने शोहर दी तरबियत करया कर। मेरे भाइयो, जुबान 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 दा मामला बहुत ज़्यादा हसास है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर एदा इस्तेमाल अच्छा है तो अल्लाह दे हाँ इंशाल्लाह दराजात ही दराजात ने, अगर एदा जुबान गलत है, एदा जुबान एदी जुबान इस जुबान का इस्तेमाल बुरा है, इस जुबान का इस्तेमाल गंदा है। नबी पाक अली सलातो सलाम दियां अहादीस दस दियां ने दुनिया अंदर भी तबाही है, कब्र के अंदर भी तबाही है, आखरत वाला मामला भी खतरे अंदर है। नबी पाक अली सलाम फरमाते ने एक बंदे ने ना एक बंदे नू कह दिता इनू अल्लाह पाक ने माफ ही नहीं करना। एक बंदे ने की किया, इनू तो अल्लाह ने बख्शना ही नहीं। नबी पाक अली सलाम फरमाते ने अल्लाह पाक अपने फरिश्तियां नू कहिंदे ने मेरे फरिश्तियो माफ़ी दा इन्ने कोई ठेका लै ले, इन्ने कोई ठेका लै ले। नबी पाक फरमाते ने जिन्हें कहा सी ना अल्लाह ने इनू बख्शना ही नहीं, जिन्हें कहा सी अल्लाह ने उन्हों चुक के जहन्नम च सुट दिता, तो जिन्हों कहा सी वह भावें फासिक फाजर सी, भावें कोई फर्जा च ढिल मठ करता सी, अल्लाह पाक ने उन्हों चुक के जन्नत का दाखला अता फरमा दिता। एक जुमला बोलिया उन्हें, एक जुमला अल्लाह ने इनू बख्शना ही नहीं। वो अल्लाह दे बंदे हो, अक्सर लोग कहिंदे ने इमरान खान जिहड़ा है यहूदी है, है किड्डी वड्डी गल है, किड्डा वड्डा जुमला है। वो यार वो जो भी है, वो जिवें भी है, इमरान खान जिवें भी है, नवाज शरीफ जिवें भी है, शहबाज शरीफ जिवें भी है, जरदारी जिवें भी है, एक जुमला नबी पाक अली सलाम ने फरमाया, एक जुमला उन्हें कहा सी कि इनू अल्लाह ने बख्शना ही नहीं। अल्लाह ने उन्हों जिन्हें कहा सी उन्हों जन्म च सुटता, तो जिन्हों कहा सी अल्लाह ने उन्हों जन्नत दाखला अता फरमा दिता एक जुमले की वजह तो। जिन्हें टीवी शोज ने, जिन्हें एंकर ने, या जिन्हें भी जो मामलात ने, यकीन करो यह व्हाट्सएप का दौर है, फेसबुक का दौर है, इंतहाई चुगली, इंतहाई तोमता, इंतहाई जुमले कसना और इंतहाई गलीज मामला। किसी की इज्जत का ख्याल नहीं, किसी के रुतबे का ख्याल नहीं, किसी के मामलात का ख्याल ही नहीं। ना किसी नाल असी बैठे हाँ, ना उन्हें खाना खाधा है, ना उन्हें सफ़र किया है, ना उन्हें कोई रिश्तेदारी है। एवं कमेंट्स पास करी जाना, एवं कमेंट्स करी जाना, ओ एवें दा, ओ एवें दा, ओ एवें दा। सिर्फ ऐ हदीसे पाक ही सानू समझ आ जाए ना, तो सारी गल ही समझ आ जानी है कि नबी पाक ने फरमाया उन्हें क्या अल्लाह ने इनू माफ़ नहीं करना। अल्लाह ने फरमाया तू माफ़ी का ठेका लिया सी। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का सबक यही है कि जुबान की हिफाजत लाजमी करनी है। अल्लाह को दुआए अल्लाह पाक सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। हाज़ा मा काना इंदी वल्लाहु अलम बिस्सवाब।